माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड आर पार्ट फर्स्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सेकेंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। हमने डिस्कस किया था कि ये दो बच्चों की स्टोरी है, दो पुअर चिल्ड्रन की स्टोरी है, और वो कौन कौन होते हैं हमारे, एक होता है हमारा साहिब और दूसरा होता है हमारा मुकेश। तो साहिब की हम स्टोरी है वो पढ़ चुके हैं, अब हम करेंगे मुकेश की स्टोरी। अब देखिए मुकेश क्या चाहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि वो एक कार ड्राइव करना चाहता है, एक मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश है वो इंसिस्ट करता है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो ऐसा बोलता है। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। और जो आई आस्क, आई का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर, जो हमारे राइटर है, जो नरेटर है, वो बोलती है कि मैंने उसको पूछा कि क्या आपको कारों के बारे में कुछ पता है या नहीं। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। उसने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए क्या आंसर किया, कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिरेज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। और उसका जो ड्रीम था वो कैसा लग रहा था, एक मिराज के जैसा लग रहा था। मिराज क्या होता है, जो मृग तृष्णा जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी आपने देखा हो कि जैसे रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान पर जो रेत होता है वो सन के लाइट में ऐसा नज़र आता है जैसे कि पानी पड़ा हुआ है। और जो मृग है अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे ही वहाँ तक पहुँचता है और क्या देखता है कि वो उसको रेत नज़र आता है, सैंड नज़र आता है। तो क्या बोला गया है कि उसके जो ड्रीम हैं, उसके जो ख्वाब हैं, वो सेम वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि कोई मृग तृष्णा होती है, क्योंकि वो कहाँ पर है, जो फिरोजाबाद में वो वहाँ पर है, जो काम करता है, फिरोजाबाद में पढ़ते हैं, उसके सारे सारे जो ड्रीम्स हैं वो फिरोजाबाद की गलियों में पढ़ते हैं, उसकी धूल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो फेमस है किसके लिए, बेंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, की जो दूसरी और फैमिलीज हैं वो सारी सारी एंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं बेंगल बनाने में, कहाँ पर, फिरोजाबाद में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। क्या बोला गया है कि ये इंडिया का सेंटर है, ठीक है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बेंगल्स की इंडस्ट्री है, जहाँ पर इतने सारे जो फैमिलीज़ है वो अपनी जनरेशन से काम करते आ रहे हैं लगातार, वो उस जो फर्नेसेस है वहाँ पर, जो भट्टियाँ हैं वहाँ पर काम करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उन ग्लासेस को बेंगल्स बनाते हैं। ठीक है, जो वीमेन है, जहाँ तक भी जो एरिया है, जो देखा जाता है, जहाँ तक भी नज़र आता है, सबका सब क्या है, सिर्फ बेंगल्स के लिए काम करते हैं लोग वहाँ। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश की फैमिली से उनमें से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन इंडिजिनस सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द फर्नेसेस वेयर देयर स्लोग देयर डे लाइट्स आर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। कि उनमें से वो और कोई और भी बच्चा नहीं जानता, या कोई भी इंसान नहीं जानता कि ये इलीगल है इतने छोटे बच्चों का उस जो ग्लास फर्नेसेस है इतने हाई टेम्परेचर में काम करना, उन जो डिंजी सेल्स हैं, वो जो डर्टी सेल्स हैं, जो इतने गंदे सेल्स हैं, उनमें काम करना जहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ पर एयर का कोई नाम नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोगों को मानते हैं, लोगों को देखा जाए, तो क्या होगा कि वो सभी के सभी यहाँ से, यानी कि जो मुकेश है वो भी, और जो 20,000 के आसपास बच्चे हैं, उन सबको है जो इन हॉट फर्नेसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा, जहाँ पर वो अपने जो दिन है उसके मोस्टली आवर्स वहाँ स्पेंड करते हैं, और प्राय क्या करते हैं कि अपनी जो ब्राइटनेस है, उनकी जो आँखें हैं वो चली जाती हैं। ठीक है, उनकी आँखें जो अंधे हो जाते हैं वो। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ट। कि मुकेश की जो आंखें हैं वो बीम होती है, मतलब कि वॉलंटियरली वो उसको बोलता है कि चलो मैं आपको जो अपने घर पर लेकर के जाता हूँ। ठीक है, और जो बोलता है कि प्राउडली कि इसको है जो दोबारा से जो बनाया जा रहा है उसके घर। ठीक है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबी डोर्स नो विंडोज, क्राउड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रेमिबल स्टेट। कि जो मुकेश है वो मुझे लेकर के जाता है अपने घर के साइड पर, और हम कहाँ से गुजरते हैं, एक बड़ी ही जो स्टिंकिंग सी लेन थी, बड़ी ही भीड़ी भड़ी सी जो गलियाँ थी, जो तंग सी गलियाँ थी, हम उनमें से गुजरते हैं, जो भरी हुई थी, चौकड थी, किससे, गार्बेज से, यानी कि वो जो गार्बेज है, जो हीप्स ऑफ गार्बेज है, जो डस्ट है, उससे वो भरी हुई थी। वहाँ पर पुराने तरीके के घर थे, ठीक है, और क्या थी, जो कांपती हुई दीवारें थी, क्रम्बलिंग वॉल्स थे, ठीक है, वॉबले डोर्स थे, और जिनमें कोई दरवाज़ा नहीं था, वो जो घर थे वो खचाखच भरे पड़े थे, किससे, ह्यूमंस से और एनिमल्स से, वो सारे उसमें जो रहा करते थे।
He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron doors with his foot and pushes it open. कि वो एक दरवाजे के सामने जाकर के रुक जाता है और वहाँ पर क्या करता है कि वो जो आयरन का जो डोर होता है उसको अपने पैर से जो वो पीछे की तरफ धक्का देता है उसको फिर खींच करके क्या करता है वो उसको खोल देता है. वी एंटर्स अ हाफ बिल्ड शैक. हम अब एक आधे बने हुए घर में है जो एंटर कर जाते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टॉप ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनक लीव्स. कि जैसे ही हम वहाँ एंटर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसकी जो वो जो घर है वो किससे बना हुआ है. डेड ग्रास से बनाया हुआ है जहाँ पर क्या है जो फायरवुड उनका स्टोव है वो रखा हुआ है और उस स्टोव के ऊपर क्या रखा हुआ है एक लार्ज वेसल एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो स्पाइनक जो लीव्स होते हैं हमारे जो पालक के पत्ते हैं वो उसमें रखे हुए हैं वो पक रहे हैं. ठीक है. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. और ग्राउंड पर क्या है कि एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है एल्यूमिनियम की जो प्लेट रखी हुई है उसमें कुछ और कटी हुई जो सब्जी है वो वहाँ रखी हुई है. अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. और जो एक दुबली पतली सी जो औरत है वो इवनिंग का जो मील है इवनिंग का जो खाना है वो बना रही है अपनी फैमिली के लिए. थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. की उसकी आंखें जो स्मोक से भरी हुई हैं धुएं से भरी हुई हैं लेकिन वो स्माइल करती है. शी इज़ द वाइफ ऑफ और जो वाइफ है वो किसकी वाइफ है मुकेश एल्डर ब्रदर. मुकेश के एल्डर ब्रदर की वो वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. जो दिखने में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं लगती बहुत ज़्यादा एज की नहीं लगती. शी बिगन्स टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. और उसको क्या बोला जाता है कि वो है जो बहू की जो कमांड है उसको जो दी जाती है वो उसको क्या करती है स्टार्ट किया उसने. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. वो डॉटर इन लॉ है उस घर की बहू है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन. और तीन आदमियों की इंचार्ज है वो. हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. कौन कौन है वो. उसका हस्बैंड है मुकेश है और उनके फादर हैं. When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and brings her veil closer to her face. कि जैसे ही जो older man है वो घर में enter करता है तो वो बड़े ही gentle तरीके से अपने आप को छिपा लेती है उस टूटी हुई दीवार के पीछे और जो अपना जो घूंघट है जो veil है उसको और नीचे कर लेती है. As custom demands, जैसे कि custom demand करता है हमारा. Daughter-in-laws must veil their faces before male elders. कि जो daughter-in-laws होती हैं उनको क्या करना होता है कि veil करनी होती है घूंघट करनी होती है कि जैसे ही जो elder members होते हैं उनके घर में एंटर करते हैं तो उनके सामने वो अपना फेस नहीं दिखाते. इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल्स मेकर्स. और इस केस में जो उसके एल्डर्स हैं वो कैसे हैं बेचारे गरीब से बेंगल मेकर्स हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल. कि इतने लंबे सालों तक है जो हार्डवर्क करने के बाद भी सबसे पहले एक टेलर के रूप में दूसरी बार है जो बेंगल मेकर के रूप में वो अपने घर को रेनोवेट करने में असफल रहे और अपने बच्चों को भी वो स्कूल नहीं भेज पाए. ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स. और सिर्फ वो सब चीज़ें जो उन्होंने मैनेज की थी जो उनको सिखाई थी वो सब चीज़ें क्या थी वो जो जानते थे जितना भी जानते थे वो क्या था कि जो बेंगल बनाने की जो कला है सिर्फ वो. It is his karam, his destiny. ये उसका कर्म है उसका भाग्य है. Says Mukesh grandmother who has watched her on husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये कौन बोलती है जो मुकेश की जो grandmother है वो बोलती है जिन्होंने अपने husband को देखा था कि वो खुद उनके सामने ही अंधे हुए थे किस चीज़ के लिए जो polish किया करते थे वो bangles की. ठीक है तो bangles को polish करने में वो अंधे हुए थे. ये बोलती है कि उनका destiny है उनका कर्म है ये काम करना. ठीक है. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन. वो बोलते हैं कि क्या जो भगवान ने जो लाइनेज दी है जो वंशावली हमारी बना दी है जो एक परंपरा चला दी है क्या उसको कोई तोड़ सकता है. ठीक है यानी कि वो क्या बोलते हैं कि भगवान ने हमें इसी काम के लिए बनाया है और इसीलिए हम ये काम करते हैं. शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. वो क्या बोलते हैं कि हम कौन हैं कि हम ये बेंगल मेकर्स के कास्ट है हमारी और हम इसमें पैदा हुए हैं और हमने सिवाय बेंगल्स के कुछ नहीं देखा. बेंगल्स उनके घरों में थी उनके गार्डन में थी दूसरों के घरों में थी दूसरों के गार्डन में थी गलियों में थी यहाँ तक कि जो फिरोजाबाद की गलियाँ थी उनमें भी उन्होंने बेंगल्स ही देखी हैं. स्पायरल ऑफ बेंगल्स सनी गोल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन मॉट्स इन अनकैम्पेंट यार्ड्स आर पायल्ड ऑन फॉर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन. और वो क्या बोलती है कि वो जो स्पायरल्स थे ठीक है बेंगल्स के वो अलग अलग
कलर के, वो सनी गोल्ड था, वो पैडी ग्रीन था, रॉयल ब्लू था, यानी जितने भी जो हमारे सेवन कलर होते हैं हमारे रेनबो में, वो सारे के सारे हैं जो वो उनके जो गार्डन हैं उनमें देखे जा सकते थे। ठीक है, जहाँ पर जो उनकी जो फोर व्हील्स की जो हैंड कार्ट होती थी, जिसको हाथ से जो धक्का दे करके चलाया जाता था और उसका जो पुश करते करते हुए लेकर के जाते थे, कौन हमारे जो मैन हुआ करते थे वो तंग गलियों में है जो उनको बेचते हुए फिरते थे, उनको देते हुए फिरते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल ऑफ बेंगल्स। और वहीं पर जो उनके जो हटमेंट्स हैं, उनके जो झोंपड़ियाँ थी, उन्हीं वहीं पर है जो साइड में क्या था कि जो उनका ऑयल का जो तेल वाला जो लैम्प था वो जल रहा था, और वहाँ पर लड़के और लड़की अपने मदर्स और फादर के साथ में बैठी हुई थी जो वेल्ड कर रही थी, जो ब्रोकन पीसेस थे हमारे बेंगल्स के उनको जोड़ रहे थे, और क्या कर रहे थे, इन टू सर्कल ऑफ बेंगल्स। ठीक है, वो बेंगल के सर्कल में उनका जो जोड़ने का काम वो कर रहे थे उस टाइम पर। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। और उनकी जो आंखें थी वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट करती थी अपने आप को, यानी वो डार्क में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे बजाय कि लाइट के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही रीज़न था कि वो इससे पहले कि वो अडल्ट हों, इससे पहले कि वो जवान हों, वो उससे पहले ही अपनी जो आई साइट है, जो अपनी आंखें हैं, वो गवा दिया करते थे। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. और जो Savita नाम की एक लड़की है वो बैठी हुई है कहाँ पर, एक elderly जो वुमेन है उसके पास में जो बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, जो ग्लास है, पीसेस हैं उनको सोल्डरिंग का काम कर रही है, उनको जोड़ने का काम कर रही है, उनको वेल्डिंग करने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नो द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। और मुझे जैसे ही मैंने उसको देखा कि वो मैकेनिकली एक मशीन के तरीके से वो जो लगी हुई थी, जैसे जो मशीन का जो टॉन्ग्स होते हैं ना, जो चिमटे होते हैं एकदम से, वो काम करते रहते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से काम में लगी हुई थी। और मुझे एकदम से अचंभा हुआ देख करके, क्या वो जो बेंगल्स की जो पवित्रता है, क्या जो उसकी पायसनेस है, क्या वो उसको जानती है जिसको वो बनाने में हेल्प कर रही है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, जो इंडियन वुमन के सुहाग है उसके लिए ये डिनोट करती हैं, जो हमारी बेंगल्स हैं वो किस चीज़ के, किस चीज़ को है जो सिम्बोलाइज करती हैं, वो सुहाग को सिम्बोलाइज करती है, और बड़े ही ऑस्पिशियसनेस होते हैं ये शादियों में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। वो बोलते हैं कि बिल्कुल इसको एक दिन है जो इसको इस चीज़ का पता चल जाएगा, और जब अचानक से इसके जो इसके जो हेड है, इसका जो सिर है, इसकी जो मांग है, वो रेड वेल से भर दी जाएगी, ठीक है, सिंदूर से भर दी जाएगी, उसके जो हाथ हैं वो उसमें क्या हो जाएगा, डाइट विद रेड है ना, उसके हाथों में जो लाल कलर की जो मेहंदी है रेड कलर की वो लगा दी जाएगी, और जो रेड बेंगल्स है उसके हाथों में पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। वो बिल्कुल उस औरत की तरह जो उसके साथ में बैठी हुई है, जो बहुत सम टाइम पहले जो वो दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उस बूढ़ी औरत के हाथों में क्या है, बेंगल्स है, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेंट ऑफ जॉय, वह जो थोड़े से जो एक खुशी दिखाते हुए अपने चेहरे पर बोलती है कि मैंने एक शेर भर खाना भी नहीं खाया है अब तक, यानी कि उनकी जो हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, और वो इस कंडीशन में काम कर रहे हैं कि इतना काम करने के बाद भी उनको शेर भर खाना, पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. और ऐसा लगता है कि शायद उसने एक टाइम का खाना भी अपने पेट भर कर के जो कभी इंजॉय नहीं किया होगा अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में। That's what she has reaped. और यही चीज़ है कि वो जिस चीज़ को जो उसने जो रीप किया है, और जो उसने बोया है, और जो उसने काटा है, जो उसने किया है, और जो उसने पाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bengals. और जो उसके हस्बैंड है, जिनके जो बियर्ड है काफ़ी बड़ी बड़ी है, और वो क्या बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सिवाय बेंगल्स के। All I have done is make a house for the family to live in. और जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है, वो क्या है कि मैंने घर बनाया है अपनी पूरी की पूरी फैमिली के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और कोई उसको सुन करके ऐसा सोच सकता है कि जैसे उसने वो सब कुछ पा लिया है जो दूसरे लोग नहीं पा सके अपने लाइफ में, ठीक है, जो फेल हो गए हैं पाने में। He has a roof over his head. कम से कम उसके सिर पर क्या है, एक छत तो है अभी।
The cry of not having money to do anything except to carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. कि जो वो क्या बोलते हैं द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि रोना इस चीज़ को लेकर के कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, टू डू एनीथिंग, कि हमारे पास कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं, हम कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है, किस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं. तो उससे बेटर क्या था कि कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि उससे बढ़िया क्या था कि वो जो बिज़नेस था, जो बैंगल्स बनाने का जो काम था, उसको कैरी ऑन करते रहें, उसको चलाते रहें. नॉट इवन दो टू ईट, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको खाना था, रिंग्स इन एवरी होम, ये और ये हर एक घर में जो उनकी ये जो प्रथा थी, ये जो चीज़ें थी, ये चलती आ रही थी, हर एक घर में चूड़ियाँ जो है, बैंगल्स जो है वो मिल जाती थी. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन है वो गूंज करता है, लेमेंट करता है, विलाप करता है अपने एल्डर्स पर. लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नबलिंग टॉयल्स हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. वो क्या बोलता है कि थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ जो 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 टाइम है वो मूव हो चुका है, और ऐसा लगता है कि अब वो फिरोजाबाद में है, जो वो यहाँ पर उन्होंने आकर के सब कुछ है जो अपना कर लिया था. इतने लंबे टाइम से वो टॉयल्स कर रहे थे, इतने लंबे टाइम से वो इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने परिश्रम कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि जैसे कि उनके जो एबिलिटी है, उनके जो जो ड्रीम्स हैं, उनके जो ख्वाब हैं, उन सब के सब का जो जैसे कि जो स्टार्टिंग में ही उनको मार दिया गया था. Why not organize yourself into a cooperative? कि आप अपने आप को किसी कॉपरेशन के साथ क्यों नहीं ऐड कर लेते, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों नहीं अपने आप को अटैच कर लेते आप. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द वीसीएस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, कि मैंने ये किन को पूछा, जो ग्रुप था मैन का, मैंने उनको पूछा जो क्या कर रहे थे, जो जो मिडल मैन की तरह अपना जो काम थे, जो अपने लाइफ थे, उनमें ट्रैप हो चुके थे, जो फंस चुके थे अपने फादर्स और अपने फोर फादर्स की वजह से, ठीक है, अपने दादा, अपने परदादा, अपने पूर्वजों की वजह से, जो सिर्फ उसी काम को है जो चला रहे थे, मैंने उनको पूछा. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, और अगर हम इस काम को कर भी लेते हैं, अगर हम अपने आप को किसी ऑर्गेनाइज के थ्रू हम अपने आप को जो अटैच कर लेते हैं, हम किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम पहले होंगे जिनको पुलिस के द्वारा धक्के मार करके निकाला जाएगा. बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हमें पीटा जाएगा, हमें खींचा जाएगा, घसीटा जाएगा हमें जेल के लिए, क्योंकि हमने कुछ इलीगल किया है. दे से, वो ऐसा बोलते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. वहाँ पर ना उनका कोई लीडर था जो उनको लीड कर पाए, ना कोई एक ऐसा इंसान था जो उनकी चीज़ों को एक अलग तरीके से समझ पाए. Their fathers are as tired as they are. उनके जो fathers थे वो भी ऐसे ही, उनके fathers, fathers का मतलब है यहाँ पर उनके जो ancestors थे, उनके जो पूर्वज थे, वो भी वैसे ही थके हुए थे जैसे कि वो थके हुए हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो सिर्फ है जो endlessly इसी spirals में जो बातें करते हैं, move होते हैं अपनी जो जो poverty है उससे लेकर के apathy और जो greed है, जो injustice है, उन सब चीज़ों तक. Listening to them, उन सबको सुनने के बाद, I see two distinct world. One of the family caught in a web of poverty burdened. कि इन सब बातों को सुनने के बाद मैंने दो वर्ल्ड को है, दो जो वर्ल्ड होते हैं हमारे, उनमें फ़र्क जाना, उनमें भेद जाना, कि एक तो वो लोग हैं जो पावर्टी के हाथों में आ चुके हैं, जो इतने गरीब हो चुके हैं बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, उस फेज की वजह से, उस बदकिस्मती की वजह से जिसकी वजह से वो जो बैंगल्स मेकर्स के जो कास्ट हैं उनमें पैदा हो चुके हैं. द अदर अ वीसीएस सर्कल ऑफ द शॉकर्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. और जो दूसरे हैं वो कौन है, वो शॉकर्स हैं हमारे, मिडल मैन हैं हमारे, पुलिस मैन हैं हमारे, जो लोगों की रक्षा करने वाले हैं वो हैं हमारे, ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, जो प्रशासनिक लोग हैं वो हैं हमारे, राजनीतिज्ञ हैं हमारे, ठीक है. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware he accepts it as naturally as his father. और इकट्ठे मिलकर के उन सब लोगों ने क्या कर दिया है कि एक बच्चे के ऊपर उन सारे के सारे जिम्मेवारियों को लाद दिया है, ठीक है, और वो जो बच्चा है वो बिना अवेयर हुए इस चीज़ से, कि इससे पहले कि उसको अवेयर हो उन चीज़ों के बारे में कि उसको साथ गलत हो रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जैसे उसके फादर ने काम किया था वो भी वैसे ही काम कर रहा है. To do anything else would mean to dare, अगर कुछ भी करने का कोई मतलब क्या है कि इस चीज़ को हिम्मत करना उस चीज़ के करने में. Endearing is not part of his growing up. और जो daring है, जो साहस है, जो हिम्मत है, वो उनके growing up का part नहीं है, उनको नहीं सिखाया गया है. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. और जो एक sense थी इस चीज़ की, वो मैंने किस में देखी थी, वो मैंने मुकेश में देखी थी.
आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा. बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो काफ़ी दूर है उसके घर से. आई विल वॉक, कि मैं चल करके जाऊँगा. ही इंसिस्ट, वो बोलता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ अ फ्लाइंग अ प्लेन. तो जो हमारा राइटर है वो उसको पूछता है कि क्या आपने कभी ड्रीम किया है कि आप एक कोई प्लेन है उसको फ्लाई करोगे, उसको उड़ाओगे. ही इज़ सडनली साइलेंट, और वो एकदम से चुप हो गया. नो ही सेज, वो बोलता है कि नहीं. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखते हुए, इन हिज स्मॉल मर्मर, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट. और उसकी जो वो जो चीज़ें उसने बोली थी वो उसमें हल्का फुल्का सा बोलता है, और उसमें एक एम्बैरेसमेंट होती है. ठीक है, अब उसको क्या था जो एक कैसे थे एक रिग्रेट में चेंज हो गई थी. ही इज़ कंटेंट ऑफ टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. और उसने सिर्फ उस चीज़ को ख्वाब रखा, उस चीज़ को चलाने की कोशिश की. वो उस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, कार ड्राइव करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अपने जो फिरोजाबाद की गलियाँ हैं वहाँ पर सिर्फ कार को ही चलते हुए देखा है. उन गलियों में उसने एरोप्लेन को कभी नहीं देखा, और जो एरोप्लेन्स थे वो बड़े ही कम उड़ते थे. कहाँ से? फिरोजाबाद से. सो दिस वॉज योर चैप्टर, होप सो इट इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, देन यू कैन कमेंट मी बिलो द वीडियो. एंड प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. टिल देन, बाय बाय.